पैसों के लेन देन को लेकर अपने साले की हत्या करवाने वाले आरोपी जीजा को गुरुग्राम पुलिस ने काबू कर लिया है। बताया जा रहा है कि बीती 28 मार्च को गुरुग्राम के सेक्टर 47 इलाके में आरोपी ने अपने साले को पहले तो शराब पीने के लिए बुलाया और शराब पीते समय 4 लाख के लेन देन की बात करते हुए पत्थरों से पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया और शव को स्कूल के पीछे फेंकने के बाद फरार हो गया। यहाँ ये भी बता दें कि मृतक शाहनूर मियाँ और उसकी बहन हसीना बीबी व आरोपी जहारुल एक साथ राजमिस्त्री का काम करते थे। एक कॉन्ट्रैक्ट में जहारुल को 4 लाख रुपए मिले थे। जहारुल ने पैसे लेकर अपनी पत्नी को दे दिए। पुलिस की माने तो हसीना बीबी इन पैसों को लेकर अपने मायके चली गई। इसी को लेकर इन तीनों में कहासुनी चल रही थी, जिसके बाद से लगातार आरोपी जीजा अपनी पत्नी और उसके भाई से नाराज चल रहा था। आरोपी ने 27 मार्च को अपने साले को शराब पीने के लिए सेक्टर 47 के इलाके में बुलाया। शाहनूर जब उससे मिलने पहुंचा तो शराब पीते समय उसके जीजा ने पैसों के लेन देन वाली बात शुरू कर दी, जिस पर दोनों की सहमति नहीं हुई और गुस्से में आकर आरोपी ने अपने साले शाहनूर मियां की पत्थरों से वार करके हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया, जिसकी जानकारी गुरुग्राम पुलिस को अगले दिन 28 मार्च को मिली थी और उसी दिन पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। फिलहाल पुलिस ने पूरे 9 दिन बाद इस हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। ये दिनांक 28/3/2021 को सेक्टर 47 में एक स्कूल के पीछे ग्राउंड के पास वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली थी अननोन, जिसके बारे में पता करने पर फिर उसकी पहचान शाही नूर मियाँ के रूप में हुई, जिसकी पत्नी के बयान पे हमने उसके जीजा के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जो ये सभी वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे और हमारी क्राइम टीम सेक्टर 39 ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो आरोपी शख्स था, जिस पे हमने 5,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था, उसको गिरफ्तार किया है। और इसने पूछताछ पे बतलाया है कि उसकी पत्नी कुछ पैसे मिले थे, ये कॉन्ट्रैक्ट का काम करते थे राजमिस्त्री का, उसके 4 लाख रुपए मिले थे, उनको लेके अपने भाई के पास चली गई और वहाँ से वेस्ट बंगाल चली गई। तो उस बात को लेकर इनके आपस में रंजिश थी और उस दिन ये 27 तारीख को अपने साले को शराब पीने के लिए बुला के लेके गया। वहाँ दोनों ने बैठ के शराब पी और फिर उसने उस बात पैसे और अपनी बीबी को भेजने के बारे में बातचीत की, लेकिन उसने इस बात से मना कर दिया। तो इस बात पे इसने गुस्सा में आके और वहीं पड़े एक पत्थर से इसकी हत्या कर दी और भी पत्थर मारे इसको और पत्थर को वहीं पास में पड़े मलबे में छिपा के और ये वहाँ से भाग गया, जिसके संबंध में हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है। आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई को अमली जामा दिया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।